नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी मिलके 20 दिन में काम खत्म करता है, तो ए बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/20। ए 1/5 काम करता है, ए का 1/5 काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन का काम आपको 1/5 × 1/12 भी मैंने समझाया था, 1/60, क्योंकि एक दिन निकालते हैं तो 1/1 × 1/12 करते हैं, तो 1/5 चाहिए तो 1/5 × 1/12 करेंगे तो 1/60 आ जाएगा एक दिन का काम। तो बी कितना होगा? अगेन हम ए प्लस बी के एक दिन के काम में से ए का काम माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू मेरी मिलेगी बी का एक दिन का काम। तो ए और बी का एक दिन का काम 1/20 है, ए का भी 1/60 निकाला तो वो बी की आ जाएगी। एलसीएम 60 3 - 1 2/60 1/30 आया बी का अकेला एक दिन का काम। तो बी का टोटल काम कितना होगा? 1/1/30 मीन्स 30 डेज। ओके, सो द गिवन डिटेल्स आर ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, ए प्लस बी इज 1 डे वर्क 1/20, ए कैन फिनिश 1/5 ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए इज 1 डे वर्क 1/5 × 12 1/60। और हम लोग जानते हैं कि बी का एक दिन का काम बराबर होगा ए प्लस बी के एक दिन के काम में से एक का काम, एक ए का एक दिन का काम माइनस करें, तो 1/20 - 1/60 3 - 1/60 तो 2/60 विच इज 1/30, तो बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 1/1/30 विच इज 30 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।